Hello everyone, hope you're all having an amazing day. Today I'm going to show you what kind of PC I use for video editing and gaming. So आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन सा PC use करता हूँ और मैंने कितने का बनवाया था और अगर आप लोगों ने भी बनवाना है तो आप लोगों को कितने तक का बन जाएगा. काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है कि बजट गेमिंग PC बनाने में उनको काफ़ी मुश्किल होती है, उनको पता नहीं चलता कि कितने का PC उनको बनाना चाहिए. तो जो केसिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कॉर्सेर की 230T केसिंग है, ये ग्रेफाइट सीरीज़ केसिंग है और अफसोस RGB नहीं है. वो अलग बात है, मैंने RGB फैन एक फ्रंट पे लगाया हुआ है लेकिन वो बाद में खैर बात करते हैं. खैर ये PC केसिंग आपको तकरीबन 5000 रुपये की मिल जाएगी मार्केट में. इसमें दो फैंस फ्रंट पे हैं, दो फैंस टॉप पे हैं, एक फ़ैन रियर पे है और एक फ़ैन बॉटम पे है. और इसका जो एयर फ्लो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, तो आपका सिस्टम कूल रहता है. सो इफ़ यू गाइस हैव अ बजट अराउंड 4000 to 5000, ये गेमिंग केस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. अब बात करते हैं प्रोसेसर की. जो प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कोर i7 का 4790 प्रोसेसर है और ASUS का B85 मदरबोर्ड है और ये दोनों ऐसे पैकेज मुझे 25,000 के मिले थे. प्रोसेसर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो Ryzen 5 1600 के मुकाबले का प्रोसेसर है. आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन का, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी है. जो हार्ड डिस्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वेस्टर्न डिजिटल की 500 GB की हार्ड डिस्क है और जो SSD मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो FSB ग्रुप की SSD है और ये दोनों आपको 4500 रुपीस के पैकेज पे मिल जाएंगी. Corsair की VS450 पावर सप्लाई है जो कि बहुत अच्छी पावर सप्लाई है और बजट गेमिंग PC के लिए बहुत अच्छी रहेगी. तो रैम की बात करें अगर तो मैं HyperX की 1600 की रैम यूज़ कर रहा हूँ और मैं डुअल चैनल में रैम यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने 4 GB की दो रैम्स लगाई हुई हैं और ये मुझे तकरीबन 4000 रुपीस की मिली थी. आप लोगों को भी मार्केट में ये तकरीबन 4000 to 4500 रुपीस की मिल जाएंगी. और इस रैम की ख़ास बात यह है कि ये नॉर्मल रैम से काफ़ी बेहतर है, इसकी लेटेंसी काफ़ी लो है, विच मीन्स डैट इट विल रिजल्ट इन हायर रिस्पॉन्स रेट. ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो मेरे पास Zotac का GDX 1050 2GB ग्राफिक्स कार्ड है और ये हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है लेकिन बजट गेमिंग PC के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. इसके अलावा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं एक CPU कूलर इस्तेमाल कर रहा हूँ. ये कूलर मास्टर का हाइपर 212 CPU कूलर है और इसको इस्तेमाल करने की रीज़न सिर्फ यही थी कि मैं ओवरक्लॉकिंग कर रहा था, मैं अपनी टर्बो स्पीड बढ़ा रहा था, इसलिए मैंने इसको लिया है. अगर आप लोगों ने ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी तो आप लोगों को ये CPU कूलर लेने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा एक फ्रंट पे मैंने RGB फ़ैन खुद लगाया है ताकि थोड़ा सा RGB का भी मज़ा लिया जाए. सो टोटल बजट अराउंड 52,000 to 55,000 आप लोगों को पड़ेगा अगर आप लोगों ने इस तरह का गेमिंग PC लेना है. अच्छा, तो आप लोगों के पास ना तीन ऑप्शंस हैं. एक तो आप प्रोसेसर हाई एंड ले लें और ग्राफिक्स कार्ड आप लो एंड ले लें जिसमें मैंने लिया है. एक ऑप्शन ये है कि आप दोनों चीज़ें नॉर्मल ले लें और एक ऑप्शन ये है कि आप ग्राफिक्स कार्ड ज़रा हाई एंड ले लें और प्रोसेसर थोड़ा लो ले लें, क्योंकि गेमिंग बजट PCs के अंदर इस तरह की ऑप्शन सिर्फ तीन ही मिलेंगी आपको. तो आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है ऑप्शन. तो ये मेरा एक छोटा सा गेमिंग सेटअप है, इसमें मैं वीडियोस एडिट करता हूँ और गेम्स खेलता हूँ. मैं जो माउस और कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो रेड ड्रैगन का माउस और कीबोर्ड है और ये RGB माउस है. कीबोर्ड ये मैकेनिकल नहीं है लेकिन स्टिल एक काफ़ी अच्छी डील में ये मिल गया था. एज यू कैन सी आई एम यूजिंग एन RGB फैन इन फ्रंट ऑफ द केस बिकॉज आई कैन रिजिस्ट द RGB. और जैसे कि आप रेड लाइट अंदर देख सकते हैं, ये मेरा हाइपर 212 कूलर की रेड लाइट है.
तो थोड़े से परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा जो CPU है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और जो ग्राफिक्स कार्ड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो CPU ID खोलते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 4790 का प्रोसेसर है। उसकी जो LGA सॉकेट है वो 1150 है और उसमें 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स हैं। तो अगर तो आप लोग एक बजट गेमिंग PC लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि 20,000 में कोई अच्छा सा प्रोसेसर आ जाए, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ये डुअल लिखा हुआ है चैनल के ऊपर, क्योंकि जो मेमोरी यूजुअली यूज़ होती है ना मदरबोर्ड के अंदर वो डुअल मेमोरी यूज़ होती है। काफ़ी लोग जो हैं वो जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो 12 GB यूज़ करते हैं, या फिर वो सही तरह इवन नंबर यूज़ नहीं करते, वो ऑड नंबर यूज़ करते हैं, तो उससे ना परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी 10% तक डिक्रीज हो जाती है। तो अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी मेमोरी एक अच्छी स्पीड पर परफॉर्म करे, तो आप लोग डुअल चैनल पे मेमोरी यूज़ करें। ग्राफिक्स कार्ड आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर आइडल स्टेट पे बिल्कुल नॉर्मल है। ग्राफिक्स कार्ड इतना कोई फैंसी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो एज यू कैन सी दैट आई चोज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप लोग एक ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लेना चाहते हैं तो आप लोगों को फिर बाकी चीज़ों में पैसे थोड़े कम करने पड़ेंगे। तो Cinebench लॉन्च करते हैं। Cinebench बताता है कि आपके जो प्रोसेसर है उसकी रेटिंग क्या है और उसकी मल्टी कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले में कैसी है। This process usually takes some time, around a minute or two, so you guys have to wait a little. इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, और मैं अपनी इंस्टाग्राम की ID भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड करना चाहें तो आप उधर भी ऐड कर सकते हैं। और कोई भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी कोई क्यूरी हो, तो आप लोग बेशक ज़रूर पूछें। सो एज यू कैन सी दैट इसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आ गया और तकरीबन 532 CB performance है। Thank you for watching the video. Please share the video and subscribe to the channel if you have not yet subscribed. I would really appreciate it. और आइंदा जो भी आप लोग content देखना चाहते हैं मेरे video पे नीचे comment में ज़रूर बताएं कि किस type का comment आप देखना चाहेंगे। Thank you.